मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एवं क्लासेस में। और आज हम आप सब बात करने जा रहे हैं इडम फ्रेजेज की, जो हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। वो सब जो इडम फ्रेज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एट अ डिस्काउंट। एट अ डिस्काउंट मीन्स डिक्लाइनिंग। क्या होता है डिक्लाइनिंग? एट रैंडम। एट रैंडम मतलब एमलेसली। एमलेसली मतलब बिना किसी उद्देश्य के। मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन को क्या कह सकते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विपर। एक ऐसे व्यक्ति जो क्या बहुत ज्यादा पावर रखता होगा। ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब वो व्यक्ति जो चापलूसी से आप लोगों को बात करता है। वन हु फ्लैटर्स, जो क्या हो चापलूस हो। वन हु फ्लैटर्स, जो चापलूस हो। टू गेट अवे विद। टू गेट अवे विद मींस टू एस्केप। एस्केप मींस बचना, सेव करना, सेव। फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले मींस टू बी वीक। टू बी वीक मतलब बहुत ही कमजोर होना। Far and away. Far and away means certainly, निश्चित पूर्वक। Far away, certainly. Hand in glove means close friendship, गहरी मित्रता। क्या हो जाएगी? Close friendship, गहरी मित्रता। A blue book, a government report, ऐसी बुक जिस पर गवर्नमेंट का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। A man of letters, scholar, बुद्धिमान। यस, सीधा साधा। देखते हैं यहाँ से 11 नंबर। A baker's dozen, जो हमारे बेकरी वाले होते हैं उनका दर्जन क्या होता है? 13। वो कोई कितनी भी चीज देते हैं, कितना देते हैं? 13। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13। टू रॉक द बोट। टू रॉक द बोट मीन्स अपसेट द बैलेंस। बैलेंस को क्या करना है? अपसेट करना है। और अपसेट द बैलेंस। टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट मीन्स सफर डिफीट, मतलब किसी भी परेशानी से संघर्ष करना। बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब इनमिटी। बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का क्या हो जाएगा? बाई आल मीन्स ऑल द सेम। ऑल द सेम मीन्स एट, फिर भी। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब पिस्तर बोरियों का, मतलब कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब पूर्णतया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ कैरल, मीन्स झगड़े की जड़। मतलब ये क्या है, एक एप्पल ले लो, दो लोग है उनको आपस में दे देते हैं, फिर दोनों भाइयों से आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ कैरल। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। एप्पल के ऑर्डर में अगर हम एक नारियल रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इनपरफेक्ट ऑर्डर। इनपरफेक्ट मतलब वो उस ऑर्डर में क्या है, नहीं रहेगा। हेड एंड ईयर्स। हेड एंड ईयर्स मींस कंप्लीटली। हेड एंड ईयर्स मींस कंप्लीटली। अब अगला देखते हैं। एबोव 21 क्वेश्चन हमारा। एबोव बोर्ड। एबोव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर क्या होता है? खाली। खाली मतलब खुला खुला होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं? ओपनली। ओपनली एबोव बोर्ड मीन्स ओपनली, खुला खुला। क्या बोल सकते हैं? खुला खुला, ठीक है, खुला हुआ। एट वंस बिट्स एंड। एट वंस बिट्स एंड मीन्स होता है हमारा टू बी इन अ कंफ्यूजन, मीन्स कंफ्यूजन में होना, गलत फहमी में होना, किसी भी चीज की गलत फहमी में होना। एट फर्स्ट साइट मीन्स एट द फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग इज पहली मीटिंग है। नल एंड वॉइड बोलते नहीं, बहुत ज्यादा नल है तो क्या होता है? नल एंड वॉइड मीन्स इनवैलिड। इनवैलिड मीन्स बेकार है, बहुत ज्यादा क्या है, बेकार है। अब क्या देखते हैं हमारा, टू एड फ्यूल टू फायर। टू एड मीन्स आग में अगर आप तेल डालोगे तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा? फ्यूल डालोगे तो क्या हो जाएगा? एंगर क्या होगी? वो आग क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो आग होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा? टू इंक्रीज एंगर मतलब लड़ाई को और ज्यादा क्या देना, बढ़ावा देना, ठीक है। एट हैंड। एट हैंड अब ये मेरा हाथ है, हाथ में अगर हमारे कोई चीज है, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ में हमारे कोई चीज है तो ये क्या है, हमारे पास है। तो एट हैंड मीन्स क्या होता है? हमारा नियर। नियर मीन्स पास में। नियर मीन्स पास में, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर। टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट मीन्स पुरानी शत्रुता भुला देना, मीन्स क्या होता है? पुरानी शत्रुता भुला देना। टू मेक पीस मीन्स शांति रखना, शांति को बनाए रखना, ठीक है। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स लास्ट टाइम, मतलब 11th आवर आपको पता है 11th आवर मीन्स 12 का होता है, तो 11th आवर मीन्स लास्ट टाइम चल रहा है। तो एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षणों में। एट द लास्ट मोमेंट मीन्स अंतिम क्षणों में। किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार। रिश्तेदार मीन्स रिलेटिव। किथ एंड किन क्या होता है? रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। अगला देखते हैं 30 नंबर। फेस टू फेस बोलते हैं, फेस टू फेस बात करने, मतलब मीन्स पर्सनली। फेस टू फेस मीन्स पर्सनली। तो ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
क्या हमारा 31 क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है क्रोकोडाइल टियर। क्रोकोडाइल टियर्स मतलब क्रोकोडाइल का मतलब होता है आपका घड़ियाल, घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। क्रोकोडाइल टियर्स में घड़ियालू आंसू मतलब फॉल्स टियर मतलब झूठे आंसू होते हैं, नहीं कुछ लोग सामने से कुछ होते हैं पीछे से कुछ होते हैं तो वही बोलते हैं फॉल्स टियर, सामने तो नहीं बोल पाते लेकिन वो पीठ पीछे जरूर बोलते हैं। टू बीट अबाउट द बस, टू बीट अबाउट द बस मीन्स घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, मतलब डायरेक्टली वो नहीं बोलते अपनी बात, मतलब वो घुमा फिरा कर उसी बात पर आते हैं लेकिन आपको पहले घुमाएंगे कि इधर उधर उधर, उसके बाद फिर वो अपनी बात पे आते हैं। तो टू टॉक अबाउट अन इम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की जो हमारे लिए यूजफुल चीज नहीं है उसके बारे में वो क्या करते हैं फालतू की बातचीत करते हैं, मतलब अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अबल इन द चाइना शॉप, अबल मतलब एक सांड इन द चाइना शॉप, अगर किसी शॉप पे अचानक एक सांड आ जाता है गाय आ जाती है तो क्या हो जाता है अनअवेक्योर्ड पर्सन मतलब एक विचित्र पर्सन एक विचित्र व्यक्ति, मीन्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है अनअवेक्योर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति। फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस मतलब हाई प्राइस, हाई प्राइस मतलब ऊंचे दाम, फैंसी प्राइस मतलब फैंसी प्राइस, हाई प्राइस मीन्स ऊंचे दाम। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड, ग्रिंड मीन्स पीसना होता है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है हमारी, अगर किसी हम आटा की चक्की में कुल्हाड़ी को पीसेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका नुकसान होगा कि मेरा होगा, तो उसका नुकसान ना, तो सेल्फिश मेटिव मतलब हम अपने मतलब के लिए उसमें क्या डाले कुल्हाड़ी डाले ताकि मेरा काम हो जाए बाकी उसकी चीज बिगड़े सही रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो सेल्फिश मोटिव अपने मतलब के लिए हम उस पर क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं। एट होम इन, एट होम इन क्या होता है घर में है, घर में व्यक्ति क्या होते हैं निपुण होते हैं। एट होम इन में टू बी स्ट्रांग अपने आप में क्या होना मजबूत होना, अपने आप में क्या होता है मजबूत होना होता है ठीक है। एट होम इन टू बी स्ट्रांग, ये हमारे आज हो गए 36 क्वेश्चन। आप सबका बहुत ही धन्यवाद, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।